पीएम मोदी आज करेंगे संकल्प सप्ताह का शुभारंभ, सुबह 10 बजे भारत मंडवा से करेंगे शुरुआत। देश भर में 329 जिलों में मनाया जाएगा संकल्प सप्ताह, जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में विशिष्ट कार्यक्रम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में होंगे शामिल। तीन महीने में पीएम मोदी का तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा, बिलासपुर में परिवर्तन यात्रा को समाप्त करते हुए लोगों को करेंगे संबोधित। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, दिल्ली में 2 दिन तक चलेगी समिति की मीटिंग। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर होगी चर्चा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर भी होगी चर्चा। कानून बना महिला आरक्षण बिल, राष्ट्रपति ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को दी मंजूरी, संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण। अटल आवासीय विद्यालयों के बाद यूपी के 57 जिलों में बनेंगे मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, 12वीं तक की होगी पढ़ाई, सीएम योगी ने भूमि चिन्हित करने के दिए निर्देश। गांधी जयंती से एक दिन पहले 1 घंटे श्रमदान करेगा यूपी, बापू को देगा श्रद्धांजलि, सीएम योगी ने दिए निर्देश। कल सभी निकाय पंचायतों में कार्यक्रमों का लेकर होगी विशेष बैठकें। कल पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा, 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। तो अक्टूबर को पीएम मोदी का राजस्थान एमपी दौरा, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आज गृहमंत्री अमित शाह करेंगे गुजरात का दौरा, अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शाजापुर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में होंगे शामिल, लोगों से भी करेंगे चर्चा। माफिया मुख्तार की बड़ी मुश्किल, फर्जी एम्बुलेंस मामले में आज होगी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई, मुख्तार और उसके 12 गुर्गों पर तय हो चुके हैं आरोप। 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट जारी, पॉक्सो कानून पर दी सलाह, सहमति से संबंध बनाने की उम्र सीमा में नहीं हो बदलाव। चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर अब प्रचंड हमले की तैयारी, भारतीय सेना और वायुसेना को जल्द मिलेंगे 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर, 16,000 फीट की ऊंचाई से होगी दुश्मनों पर कड़ी नजर। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को दी नसीहत, बोले आजादी क्या है, भारत को दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री का कनाडा पर प्रहार, विवाद के लिए ट्रूडो सरकार को बताया जिम्मेदार, अमेरिका को भी खरी खरी, अभिव्यक्ति की आजादी पर ना दे ज्ञान। और एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 6वें दिन भारत के खाते में आए 8 मेडल, 8 गोल्ड के साथ भारत के पास कुल 33 पदक।